बिजली विभाग की लापरवाही ने ले ली जंगली हाथी की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज हर पल नजर। बेड़ो प्रखंड के नगड़ी मुंडा टोली के देवी मंडप के नीचे खेत में करंट की चपेट में आने से विशालकाय जंगली हाथी की हो गई मौत। आपको बताता चलूं कि 11,000 वोल्ट का बिजली तार जो जमीन से महज 6 से 7 फीट की ऊंचाई से गुजरी है, ये बिजली विभाग की लापरवाही है कि लिखित शिकायत के बावजूद उसे ऊंचा नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है, ये तो जंगली जानवर को करंट लगा। यहाँ स्थिति ऐसी है कि इंसान भी कभी ना कभी हादसे का शिकार हो सकता है। क्षेत्र के मुखिया एवं विधायक प्रतिनिधि व ग्रामीणों ने वन विभाग एवं बिजली विभाग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। कहा, घटना की सूचना के बाद भी प्रायः लोगों का मेला लग गया, पर न तो बिजली विभाग से और न ही वन विभाग से अभी तक कोई पदाधिकारी पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे शासन प्रशासन क्या कदम उठाती है यह देखने की बात होगी। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। आप इसी गांव के हैं? हाँ, हम इसी गांव के। ये कैसे हो गया? ये जो हुआ है, ये 11,000 तार जो देख रहे हैं, जो ये इतना 5 फीट के ऊंचाई में है। अच्छा, अब 5 फीट के ऊंचाई में ये तो आदमी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। ये ग्रामीणों के द्वारा कई बार बिजली विभाग को दिया गया सूचना, यहाँ पर तार है जो एकदम पूरा नीचे है 11,000, उसका मरामती किया जाए, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा कोई भी अभी तक सुन तक नहीं लिया गया है। ये तो हाथी हुआ है, रात में हुआ है। पता जब सुबह शौच के लिए ग्रामीणों ने निकला तो देखा कि हाथी यहाँ पर करंट के द्वारा यहाँ मृत्यु हो चुका है। ये पूरे के पूरे लापरवाही है बिजली विभाग के। अभी तक कोई बिजली विभाग के लोग आए हैं? अभी तक कोई नहीं आए हैं। प्रशासन से? प्रशासन आए थे, थाना प्रभारी आए थे, आए थे, देख के गए। आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का यही कहना है कि ये बिजली तार जो 11,000 है गुजरा है, इसको अतिशीघ्र मरम्मती किया जाए। और हम लोग ग्रामीणों को द्वारा हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का जो बेड़ो प्रखंड में जो बिजली विभाग के द्वारा जो चार्ज में है, जैसे जई HDO देख रेख जो करते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए ये बिजली विभाग के द्वारा। और दूसरी बात है कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा पहले टॉर्च मिलता था, लाइट मिलता था, तेल मिट्टी तेल मिलता था, मसाल मिलता था, भगाने उगाने का गांव में माने सेफ रहने का कुछ मिलता था, लेकिन अभी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अभी कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बबलू खान, विधायक प्रतिनिधि करांजी। घटना कैसे घटा मुखिया जी? भैया देख रहे हैं यहाँ पर तार जो है ना, मोटा मोटा लमसम 5 से 6 फीट के अति में है जमीन से सटा हुआ। हम लोग हाथ से छुएंगे तो हाथ छुआ जाए जो दिख रहा है ना, उसी कारण रात में मतलब अंधेरा में जैसे मतलब हाथी आया। ये तो जैसा दिख रहा है पूरी तरह से ये बिजली विभाग का लापरवाही है, क्या कहेंगे? सीधा सीधी बात है, जो विभाग के द्वारा जो है मतलब आज नहीं है तो मतलब की जानवर ही हुए मनुष्य के मतलब में होने की मतलब संभावना इस पर है ना। तो इस पर विभाग तो बिजली विभाग मतलब अतिशीघ्र हमको लगता है ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, ये मारू और नगड़ी के द्वारा कि आवेदन मतलब बिजली विभाग को दिया हुआ भी है और कई एक बार निवेदन किया गया है, लेकिन इसके पर पहल अभी तक नहीं किया गया है, जो बिजली विभाग का सारा लापरवाही है। और हम जैसा कि देख रहे हैं सुबह से ये हाथी मरा पड़ा है यहाँ पर, अभी तक बिजली विभाग के कोई लोग आए नहीं है यहाँ पर? कोई विभाग तो अभी देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग को जो सूचना मिल रहा है अभी तक कोई विभाग बिजली विभाग का अभी तक नहीं आया हुआ है। अभी जस्ट हम लोग विभाग के आदमी को फोन किए हैं तो उन्होंने बोला कि अभी भेज रहे हैं। अच्छा, यही बात हमको जानकारी दिया है, ठीक है, लेकिन विभाग जल्दी आए और इसके विचार जनता के बीच में तुरंत रूबरू होकर इसे मतलब सुधार करने का अपना काम करे। और जंगल विभाग के द्वारा हम निवेदन करेंगे कि जो ग्रामीणों को जो तेल मतलब हाथी भगाओ के लिए मिलता था, पटका मिलता था, या गांव-गांव में जहां पर लाइट का भी बात है, कहीं बहुत से गांव में अभी लगा हुआ भी नहीं है, जो कम से कम लगना चाहिए। बहुत ग्रामीण क्षेत्र है जो जंगल से जानवर से भी काफी लोग आदमी प्रेम करते हैं। जो अभी जो घटना घट गई है, हाथी की जान गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इस पर तो काफी दुख व्यक्त है कि मतलब जंगली जानवर जो है कभी मतलब विलुप्त होते जा रहा है और ये हम लोग महाराज जी हैं जो मतलब इससे मर गए, काफी हमसे दुख व्यक्त करते हैं। ऐसा कभी ना हो जो कि विभाग लापरवाही की है, इस पर कार्रवाई होने की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुधराम बड़ा हुआ, हमीटा पंचायत के मुखिया हुए।
आपके परिवार या दोस्तों में किसी को धुंधला दिखाई देता है, बल्ब या रोशनी वाली चीजों के आसपास आभासी दिखाई देती है, रात को दिखने में परेशानी होती है या चीजें डबल दिखाई देती है, तो ये लक्षण मोतियाबिंद के हो सकते हैं। सिंहपुर नर्सिंग होम सिंहपुर मोरी रांची झारखंड के द्वारा आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिंहपुर नर्सिंग होम अस्पताल परिसर में ही किया जा रहा है, वो भी मात्र 4,000 रुपए में। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की जानकारी दें ताकि जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना हो वो जल्द से जल्द आकर नामांकन करवाएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। प्रबंधन सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9431277155।